everyone, hi, I welcome you all to our Unacademy's channel, that is Class Apart. I'm Anupriya, your social science educator, and today we are going to discuss a very important and interesting chapter, that is electoral politics. Now this is the chapter from the subject political science. So students, अगर आपके पास Unacademy learning app नहीं है तो फटाफट install करो and get flat 10% off using my code, that is APRI10. तो ये मेरा code है, इसे याद रखिएगा और जल्दी से Unacademy subscription ले लीजिए. This is my chumbus introduction. Like I told you, I'm Anupriya, your social science educator. I've completed my post graduation in modern history from Miranda House Tech University. Mentored almost 10,000 students, have more than 3 years of experience in online teaching, and I've co-authored 2 books on the subject history for classes 9th and 10th by the name Core History. जब हम बात करते हैं अबाउट द फीचर्स ऑफ अनअकैडमी, बग्स बाउंटी आपका एक इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग फीचर है, जहाँ पर आप कोई भी अगर इनअप्रोप्रिएट कंटेंट देखते हो तो आप उसको रिपोर्ट कर सकते हो. डिस्क्रिप्शन में फॉर्म लिंक है. व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द ऑफर्स दैट वी हैव एज ऑफ नाउ फ्रॉम अनअकैडमी, क्लास 9 के बच्चों के लिए 4 साल वाला ऑफर है बच्चों, काफ़ी इंटरेस्टिंग ऑफर है कि अगर आप सॉर्टेड हो कि आपको आगे जाके ITN बनना है, ITJEE करना है क्रैक, तो आप यहाँ पर ये वाला सब्सक्रिप्शन ले सकते हो. ऑफर प्राइस है 68,682 रुपीज़. फिर दूसरा अपना है नीट यूजी का, तो अगर आप अभी से श्योर हो कि आपको आगे जाके यहाँ पर नीट यूजी यानी कि डॉक्टर बनना है, तो मेडिकल फील्ड में जाना है, तो आप ये नीट यूजी का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो CBSE के साथ. ऑफर प्राइस है अपना टोटल 64,483, 4 ईयर्स के लिए आपका ये सब्सक्रिप्शन है. बहुत सारे नए बैचेस आपके प्लस कोर्स पे लॉन्च हो चुके बच्चों 4 अक्टूबर ऑनवर्ड्स. तो ये आपका कंप्लीट टर्म 1 का सिलेबस बैच है और क्रैक टर्म 1 एग्जाम्स है सारे सब्जेक्ट्स के लिए. सो प्लीज गो एंड टेक द सब्सक्रिप्शन, यूज माय कोड APRI10. कॉम्बैट की अगर हम बात करते हैं तो आपका 10th अक्टूबर को अपना कॉम्बैट होने वाला है. नेक्स्ट एवरी संडे वी हैव कॉम्बैट्स, जहां पर आप देखो कि 45 मिनट्स में आपको 30 क्वेश्चंस करने होते हैं. आप एनरोल कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है यूजिंग माय कोड APRI10. Now, when I'm talking about the features of subscription here, we have 2 types of subscription, plus and iconic. Plus की जब हम बात करते हैं तो एक common platform है super duper amazing educators के, super duper amazing courses है, unlimited access मिलता है, घर पर बैठ के मस्त आप पढ़ाई कर सकते हो, regular doubt solving sessions है, exhaustive coverage होता है syllabus का, आपको study material, practice test सब कुछ यहाँ पर मिलता है. 3 months से लेके 48 months तक vary करता है. monthly subscription, monthly payment का concept है बच्चा लोग, तो यहाँ पर prices अभी reduced है. APRI10 is my code जिससे आप subscription ले सकते हो. focus on 12 months and more, जिसमें आपको ज्यादा फायदा मिलेगा. यहाँ पर अगर हम बात करते हैं iconic subscription की, तो plus के तो सारे features हैं, उसके अलावा personal mentor मिलेंगे, live dot solution मिलेगा सारे questions का, weekly report मिलता है, parents यहाँ पर mentor से connect कर सकते हैं, study planner भी है. लेकिन दोनों में जो सबसे interesting common feature है वो है राह यानी कि raise a hand feature, जहाँ पर आप बच्चों को opportunity मिलता है to have one-to-one interaction with your educators, जहाँ पर आप अपनी मधुर ध्वनि गा कर नहीं बातें करके आप अपने educator से highly इंटरैक्टिव सेशंस में अपने सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हो इन द लाइव सेशन इटसेल्फ. उसके अलावा आइकॉनिक में अभी जो सबसे नया फीचर है, दैट इज 1-to-1 मेंटरशिप यानी कि मेंटरिंग प्रोग्राम, वेयर यू गाइस आर गोइंग टू गेट गाइडेंस ऑन योर होमवर्क. तो अगर आपको होमवर्क करने में होती है परेशानी, तो आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेके अपने सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हो. 3 मंथ से लेके 48 मंथ तक वैरी करता है. प्लीज डू नॉट हेजिटेट टू टेक द सब्सक्रिप्शन. APRI10 इज माई कोड जिससे आपको यहाँ पर फ्लैट 10% ऑफ मिल जाएगा. पार्ट्स में अगर पे करना है तो यहाँ पर 12 महीने से ज़्यादा का सब्सक्रिप्शन लो, 0 cost AY पे पेमेंट कर लो, अनअकैडमी एक्सपर्ट से आप बातें कर सकते हो. स्पेशल क्लासेस जो होते हैं बच्चों वो फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, उसके लिए आपको कुछ पे नहीं करना होता है, बट यू गाइज हैव टू डाउनलोड अनअकैडमी लर्निंग ऐप. रियल टाइम इंटरेक्शन होता है चैट्स एंड इमोजीज के साथ. डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक है, प्लीज फॉलो मी ऑन अनअकैडमी एंड यू गाइज कैन एंजॉय सम अमेजिंग सेशंस दैट टेक प्लेस ऑन स्पेशल क्लासेस एज वेल. ओके, नाउ अब बच्चा लोग जब हम इस चैप्टर की बात करते हैं, दैट इज इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, अगेन दिस इज सुपर डुपर इम्पॉर्टेंट चैप्टर. तो आप लोगों ने शुरुआत से ही बचपन से डेमोक्रेसी टर्म के बारे में तो सुना ही है ना, तो बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, ये सब भी आपने बचपन से सुन रखा है ना, द डेफिनेशन दैट वॉज गिवन बाई अब्राहम लिंकन. तो यहाँ पर जब हम इस चैप्टर की बात करते हैं, दैट इज इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, सो एग्जैक्टली व्हाट आर वी गोइंग टू अंडरस्टैंड इन द चैप्टर. We are going to talk about the process of elections that are taking place in any democratic country, and specifically we are going to talk about our country India. तो बच्चा लोग आप simply एक बात समझो कि आप लोगों ने अगर democracy के बारे में इतने time से पढ़ रखा है, तो democracy में आपने कहीं ना कहीं ये term सुना है elected representatives का. अब ये जो term आपका elected है, that is directly linked with the chapter here that we are going to learn.
सो वॉट आर द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स दैट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड इन द चैप्टर. सो सबसे पहले तो हम एक एग्जाम्पल लेने वाले हैं जो कि हमारे बुक में बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल दिया है हरियाणा का. देन वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट वाई इलेक्शंस आर नेसेसरी इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री. वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हमारे कंट्री में क्या सिस्टम है इलेक्शन का, इंडिया में इलेक्शंस डेमोक्रेटिक कैसे हैं, क्या नेचर है, और उसके बाद हम लास्ट में पढ़ने वाले हैं अबाउट फ्री एंड फेयर इलेक्शंस इन आर कंट्री, वेयर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इलेक्शन कमीशन एंड ऑल्सो द चैलेंजेस टू फ्री एंड फेयर इलेक्शंस. सो इन दिस पार्ट वी विल ट्राई टू कवर वन टू आवर टू इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, थ्री इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है. ओके, तो यहां पर देखो बच्चों, जब भी टर्म डेमोक्रेसी आता है तो सभी बच्चे कहीं ना कहीं इलेक्शन वाले टर्म से इसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल समझते हैं. कैसे? तो अगर आपको कहा जाए दैट डिफाइन द टर्म डेमोक्रेसी, आप लोग क्या कहोगे? सो इट इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच पीपल हैव द सुप्रीम अथॉरिटी टू इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स एंड ऑन बिहाफ ऑफ द कॉमन पीपल द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स आर टेकिंग द मेजर डिसीजंस. जब मैं कहती हूँ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, इसका मतलब क्या होता है कि समवेयर देयर इज अ प्रोसेस इन विच पीपल दे हैव गॉट द राइट टू वोट फॉर देयर रिप्रेजेंटेटिव्स. अब आपने बहुत सारे एग्जांपल्स व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी में देख रखा है. फॉर एग्जांपल अगर हम चाइना की बात करें, मेक्सिको की बात करें, जिम्बाब्वे की बात करें, तो आपने ऐसे बहुत सारे कंट्रीज के एग्जांपल देखे हैं वेर यू हैव अंडरस्टूड दैट फ्री एंड फेयर इलेक्शंस वर नॉट टेकिंग प्लेस देयर. सो व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट इलेक्शंस, वी आर टॉकिंग अबाउट अ प्लेस जहां पर हो सकता है कि डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो, और हो सकता है कि डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ या ट्रू डेमोक्रेसी वहां पे एग्जिस्ट नहीं कर रही है, राइट? बट हियर वी जस्ट नीड टू आइडेंटिफाई दैट व्हाट इज द राइट वे इन विच इलेक्शंस शुड बी टेकिंग प्लेस इन एनी पर्टिकुलर कंट्री इन अ वेरी फ्री एंड फेयर मैनर. सो बच्चों के दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो एक क्वेश्चन तो अपना है दैट व्हाट मेक्स इंडिया डेमोक्रेटिक. तो सभी बच्चे कहते हैं कि मैम डेमोक्रेटिक बनने का तो एक ही रीजन हम लोग कह सकते हैं, एक क्या बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, लेकिन एक रीजन जो हमने बचपन से पढ़ रखा है दैट पीपल हैव द सुप्रीम अथॉरिटी. नाउ माय क्वेश्चन इज कि पीपल हाउ डू पीपल हैव द सुप्रीम अथॉरिटी. तो आप बच्चे कहोगे मैम इट इज थ्रू द प्रोसेस ऑफ इलेक्शंस वेयर इन दिस वी सी दैट पीपल हु आर एलिजिबल टू वोट दे वोट फॉर देयर रिप्रेजेंटेटिव्स एंड द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स इन टर्न आर टेकिंग द डिसीजंस द मेजर डिसीजंस फॉर द कंट्री रनिंग द गवर्नमेंट. ये सारे बच्चे कह सकते हैं. नाउ मेरा सेकंड क्वेश्चन है, इज इलेक्शन नेसेसरी फॉर एवरी डेमोक्रेटिक कंट्री? यू वुड से यस. अगर डेमोक्रेसी है मतलब कि लोगों का यहाँ पर से है, लोगों का यहाँ पर से है, तो ये प्रोसेस ऑफ इलेक्शन इट फॉर्म्स द बेस फॉर एनी डेमोक्रेसी. सो यू विल से दैट यस मैम इट इज नेसेसरी दैट इलेक्शंस शुड बी टेकिंग प्लेस इन अ फ्री एंड फेयर मैनर. मेरा तीसरा क्वेश्चन है आप बच्चों से दैट हैव यू सीन एनी इलेक्शन रैली, क्योंकि दिस इज समथिंग जो प्रैक्टिकली हम अपने आसपास के माहौल में अपने एनवायरमेंट में ऑब्जर्व करते हैं. अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ने में इंटरेस्टेड हो, अगर आप मम्मी पापा के साथ बैठ के टीवी चैनल्स पे न्यूज़ देखते हो, तो यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पार्टीज के नाम पता होंगे, कहीं ना कहीं आपको बहुत सारे मिनिस्टर्स के नाम पता होंगे, और कहीं ना कहीं आपने जनरल इलेक्शंस के पहले जो इलेक्शन कैंपेन्स होते हैं वो भी आपने देखा होगा. सो यू कैन डेफिनेटली आंसर दीज क्वेश्चंस. नाउ हमारे बुक में एक बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल दिया गया है इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड कि कंट्री में इलेक्शन कैसे होता है, हु इज चोजन, कैसे चूज किया जाता है, सब कुछ. तो ये हमारा एग्जाम्पल है अबाउट द इलेक्शंस दैट वर टेकिंग प्लेस इन हरियाणा. तो हरियाणा की अगर हम बात करते हैं बच्चों, तो स्टेट वॉज अंडर द रूल ऑफ कांग्रेस एंड इट वॉज डन ईयर, मतलब ये रूल अपना सिंस 1982 वी सी दैट हरियाणा वॉज अंडर द रूल ऑफ कांग्रेस पार्टी. अब यहाँ पर आप देखो कि इसी एक हमारा नया इलेक्शन हो रहा था अराउंड 1987 में, ठीक है? तो यहाँ पर आपका इंपॉर्टेंट, अब यहाँ पर अगर मैं हरियाणा की बात कर रही हूँ तो सबसे पहला पॉइंट जो सभी बच्चों को समझना है वो क्या है, दैट वी आर टॉकिंग अबाउट स्टेट असेंबली इलेक्शंस, राइट? एक पर्टिकुलर स्टेट में हम असेंबली इलेक्शंस की यहाँ पर बात कर रहे हैं. अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया जाता है ऑपोजिशन पार्टी के द्वारा, और ये अपनी ऑपोजिशन पार्टी का नाम क्या है, लोकदल पार्टी. अब उसमें आपके एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं हमारे रिप्रेजेंटेटिव जिनका नाम है चौधरी देवीलाल, ठीक है? अब चौधरी देवीलाल ने यहाँ पर क्या किया था, यहाँ पर वो ऑलरेडी बहुत सारे कैंपेन शुरू कर चुके थे ग्राउंड लेवल पे, ताकि वो अपने सपोर्टर्स को मोबिलाइज कर सके, क्योंकि इलेक्शन का टाइम था. तो आप सभी बच्चों ने यहाँ पर ध्यान दिया होगा कि जब भी इलेक्शन का टाइम होता है, जितने भी आपके कैंडिडेट्स होते हैं जो कि इलेक्शन में यहाँ पर कंटेस्ट करने को रेडी होते हैं, सो दे ट्राई टू मोबिलाइज देयर सपोर्ट, राइट? तो वो कॉमन पीपल के सामने जाकर बहुत सारे प्रोमिसेस रखते हैं, बहुत सारे पॉइंट्स रखते हैं, अपने बहुत सारे एजेंडाज को रखते हैं, ताकि वो इन सारे एजेंडाज को, इन सारे मैनिफेस्टोज को पूरी करने की कोशिश करें, ठीक है? तो
यहाँ पर जब हम चौधरी देवीलाल की भी बात करते हैं तो उन्होंने प्रॉमिस किया कि जो नेक्स्ट अपना असेंबली इलेक्शन है, अगर आप लोग मुझे वोट करते हो देन आई एम गोइंग टू वेव द लोन्स ऑफ फार्मर्स एंड स्मॉल बिजनेसमैन। तो ऐसे बहुत सारे प्रॉमिसेस किए जाते हैं, तो चौधरी देवीलाल ने भी ऐसा कुछ प्रॉमिस किया था। अब यहाँ पर लोगों को लगा कि अच्छा, दिस इज अ न्यू कैंडिडेट, ये हमारे लिए ऐसी ऐसी प्रॉमिसेस रख रहे हैं जो कि हो सकता है हमारे इंटरेस्ट के लिए, मतलब इंटरेस्ट एज इन ये हमारे फायदे के लिए हो सकता है, हमारे हित के लिए हो सकता है, राइट। एंड ऑल्सो पीपल वर वेरी अनहैप्पी विद द प्रेजेंट गवर्नमेंट, दैट वॉज द कांग्रेस पार्टी देयर। सो फाइनली क्या होता है कि जब अपना नेक्स्ट असेंबली इलेक्शन होता है, फाइनली लोकदल पार्टी इट वन द इलेक्शन। सो यहाँ पर जो आपका नेक्स्ट इलेक्शन आता है उसमें लोकदल पार्टी अपना इलेक्शन जीत जाती है। अब आपको पता है कि एक पार्टी ने थ्रू द प्रोसेस ऑफ इलेक्शन यहाँ पर जितने भी आपके एलिजिबल वोटर्स थे वो गए वोट करने, और यहाँ पर मैक्सिमम जो आपके कॉन्स्टिट्यूएंसीज में यहाँ पर मेंबर्स को चूज किया गया था देवर फ्रॉम दी लोकदल पार्टी, ठीक है। तो अगर आप ये ग्राफ देखो तो यहाँ पर आप देखो ये कांग्रेस की बात हो रही है। कांग्रेस पार्टी की अगर मैं बात करूं तो 1987 में टोटल 90 सीट्स पे आपके इलेक्शंस हुए थे, टोटल नंबर ऑफ सीट्स, ठीक है। अगर मैं हरियाणा की बात करूं तो ये पूरे कॉन्स्टिट्यूएंसी में अपने 60 सीट्स थे और यहां पर मात्र इनको सिर्फ 5 सीट्स मिले थे, और बाकी जितने भी आपके सीट्स थे वो किसके हाथ में चले गए, किसके शहर में चला गया, लोकदल पार्टी के शहर में चला गया। तो एक बात जो हमें समझ में आ रहा है कि यहाँ पर बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज हैं, यानी कि मल्टी पार्टी सिस्टम का कॉन्सेप्ट तो आपको इंडिया का समझ में आ ही चुका है। अब यहाँ पर बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज में एक पॉलिटिकल पार्टी अपना विनर बनता है जिसके पास मेजोरिटी आ जाती है, राइट। अब मेजोरिटी है उसके बाद क्या हुआ, लोकदल पार्टी यहाँ पर जीत गई। अब यहाँ पर जितने भी आपके चोजन रिप्रेजेंटेटिव्स थे हु वर बीइंग द एमएलएस, राइट, जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली बनते, अब उन लोगों ने यहाँ पर अपना फेस किसको बनाया, चौधरी देवीलाल को अपना फेस बनाया, और उन्होंने म्यूचुअली ये कहा दैट ही शुड बी द लीडर ऑफ द पार्टी, ही शुड बी द फेस ऑफ द पार्टी एंड ही शुड बी द चीफ मिनिस्टर, एंड दिस इज हाउ ही बिकेम द चीफ मिनिस्टर विद द म्यूचुअल कंसेंट ऑफ ऑल द अदर मेंबर्स हु हैड वन फ्रॉम हिज पार्टी हियर, ठीक है। इतना हमें समझ में आ गया। अब जब चीफ मिनिस्टर जो बन जाते हैं उनको अपॉइंट कौन करता है भाई, तो जब हम स्टेट लेवल की बात करते हैं बच्चों, सो इट इज इन द हैंड्स ऑफ गवर्नर। सो गवर्नर यहाँ पर अपॉइंट किसको करते हैं, चीफ मिनिस्टर को यहाँ पर अपॉइंट करते हैं। तो ये बात आप सभी बच्चों को यहाँ पर पता होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर मेन क्वेश्चन आता है, हरियाणा का तो हमने ये एग्जांपल देख लिया, सो द मेन क्वेश्चन दैट अराइजेस हियर इज दैट व्हाई इलेक्शन शुड बी टेकिंग प्लेस इन अ डेमोक्रेसी। So here we see that the basic point is that elections are taking place in any democratic country to choose people's representatives. अब यहाँ पर आप सोचो बच्चों कि इंडिया में हमारा जो population है that is quite large. I mean, if you even imagine that people they start taking decisions on their own, मतलब imagine करो कि कोई government ही नहीं है, election का procedure ही नहीं होता है, अब लोग अपने हिसाब से काम करें, do you think कि वहाँ पे law and order maintained होएगा, peace maintained होएगा, उस country को अच्छे से govern किया जा सकता है, run कर दिया किया जा सकता है, नहीं ना। I mean सब अपने अपने हिसाब से चलेंगे, कोई rules, कोई regulations, कोई laws नहीं होंगे, right? So पूरा chaos का माहौल बन जाएगा। So that is why we see that elections, they are necessary or it is one of the most important parts of any democratic country. So यहाँ पर election के process के through क्या होता है कि मान लो अगर हम लोग एक एक इंसान अपने अपने हिसाब से चलने लगे, so definitely it is not going to lead to a very good developing country or let's say a developed country वाला concept नहीं आएगा। So यहाँ पर elections एक process है, now this is considered as an essential part for any representative democracy. So this is one point that everyone needs to understand कि ये अपना जो है ना the basic एकदम बेस फॉर्म करता है किसी भी डेमोक्रेसी का, क्योंकि डेमोक्रेसी का मतलब ही होता है फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल एंड बाय द पीपल, वेयर पीपल हैव द सुप्रीम अथॉरिटी। लोगों के पास अथॉरिटी है कि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज करेंगे, कैसे चूज करेंगे, इलेक्शंस के थ्रू, ठीक है। सो यहाँ पर जब इलेक्शन की बात होती है ये एक मैकेनिज्म है थ्रू विच पीपल दे कैन चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव्स एट रेगुलर इंटरवल्स एंड चेंज देम इफ दे वांट टू, जिसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ने वाले आगे, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम इलेक्शंस की बात करते हैं इसके थ्रू हमें क्या क्या पता चल जाता है कि यहाँ पर कौन गवर्नमेंट फॉर्म करने वाला है और कौन मेजर डिसीजंस लेगा। हरियाणा के एग्जांपल से हमें क्या समझ में आता है कि मानो कांग्रेस पार्टी भी यहाँ पर कंटेस्ट कर रही है इलेक्शन में, उसके अलावा लोकदल पार्टी भी कंटेस्ट कर रही है, उसके अलावा बहुत सारे एक्स वाई जेड पार्टीज होंगे जो कंटेस्ट कर रहे होंगे, लेकिन यहाँ पर जिसको मैक्सिमम सीट्स मिले, मैक्सिमम वोट्स मिले, वही पार्टी यहाँ पर जीत गई, दैट इज नाउ द विनर पार्टी। और डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है कि लोगों ने जिसको चूज किया है वही यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव्स बनेंगे,
ठीक है, कोई और नहीं जाकर बन जाएगा, जो हारी हुई पार्टी है वो नहीं बनेगी, वो ऑपोजिशन फॉर्म करेगी भले ही, है ना। सो यहाँ पर उसके अलावा क्या होता है, नाउ दिस इज द गवर्नमेंट दैट इज गोइंग टू मेक द लॉज एंड रन द कंट्री फॉर एटलीस्ट 5 years, राइट। फिर तीसरा है पार्टी हुज पॉलिसी विल गाइड द गवर्नमेंट एंड लॉ मेकिंग। तो ये अपने इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, व्हाई वी सी दैट इलेक्शंस किसी भी कंट्री में इंपॉर्टेंट क्यों है। Now there is a point that I want everyone to, you know, think about it. That what if there were no elections? एक anarchical form of, एक anarchy kind of, you know, माहौल हो कंट्री में कि कोई गवर्नमेंट ही नहीं है। There is no rule, there is no regulation. अभी मान लो कि आपके क्लास में, एक बहुत ही सिंपल से एग्जाम्पल देती हूँ, किसी दिन ऐसा होता है कि मान लो कि टीचर इज ऑन लीव और उस क्लास में आपको बस यहाँ पर यू नो फ्री क्लास छोड़ दिया जाता है कि ओके इन दिस क्लास यू गाइज हैव टू डू व्हाट एवर यू वांट टू डू, मतलब होमवर्क करो जो करना है करो। लेकिन आप बच्चों का मन क्या करता है, यार टीचर नहीं आए तो थोड़ी शैतानी कर लेते हैं, मतलब कि कोई हमें देखने वाला नहीं है तो चलो गप्पे शप्पे लड़ा लेते हैं, ये कर लेते हैं वो कर लेते हैं, आपके मन में ये सारी बातें आती है। सो क्या होता है कि पूरे क्लास में पूरा केओस का माहौल बन जाता है, सब हल्ला गुल्ला कर रहे हैं और कोई टीचर नहीं है, डिसिप्लिन मेंटेन नहीं है क्लास की, सबको बहुत अच्छा लगता है ना। लेकिन क्या ये लॉन्गर रन के लिए अच्छा है? नहीं ना, फिर आपकी पढ़ाई लिखाई बंद हो जाएगी। सो वैसे ही अगर मैं किसी कंट्री की बात करूं, अगर वो डेमोक्रेटिक कंट्री और वहां पर इलेक्शंस नहीं हो तो लॉन्गर रन के लिए इट इज नॉट पॉसिबल टू रन दैट पर्टिकुलर कंट्री एज वेल। नाउ हमारा दूसरा पॉइंट है दैट व्हाट मेक्स एन इलेक्शन डेमोक्रेटिक। अब यहाँ पर ये कुछ की पॉइंटर्स हैं जो सभी बच्चों को याद होने चाहिए। डेमोक्रेसी का मतलब तो सबने पढ़ लिया है और आपने व्हाट इज डेमोक्रेसी व्हाई डेमोक्रेसी में चाइना, मेक्सिको, जिम्बाब्वे ऐसे कंट्रीज के भी एग्जांपल देखे हैं जहां पर आपको पता है दैट देयर इज नॉट अ ट्रू डेमोक्रेसी इन दोस पर्टिकुलर कंट्रीज बट स्टिल इलेक्शंस वर टेकिंग प्लेस इन वन फॉर्म और द अनदर। लेकिन क्या वो इलेक्शंस डेमोक्रेटिक थे नेचर में? अगर मैं चाइना का एग्जांपल लूं तो आप सभी बच्चों को पता है दैट ओनली वन पार्टी वाज गोइंग टू विन द इलेक्शन देयर। लोगों के पास एक सीरियस चॉइस ही नहीं ऑफर किया जाता था कि कोई और पार्टी को वहां पर इलेक्ट कर लिया जाए। सो अगेन यू हैव टू डिस्टिंग्विश कि इलेक्शंस डेमोक्रेटिक नेचर के कब है और कब नहीं है, राइट। सो यहाँ पर जब हम फर्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, यू गाइज हैव टू अंडरस्टैंड डेमोक्रेटिक नेचर यानी कि यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज की यहाँ पर बात हो रही है। दैट एनी पर्सन, अगर इंडिया के केस में देखा जाए, सो एनी वन हु इज 18 और अबव दैट एज, ही और शी हैज द राइट टू वोट इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, रिलीजन, रेस, जेंडर, स्किन कलर, एनीथिंग, इरिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग, दे हैव द राइट टू वोट, ठीक है। एंड एवरी वन शुड हैव वन वोट एंड ईच वोट शुड हैव वन वैल्यू। ऐसा नहीं कि कोई रिच कोई लेट्स से कोई सेलिब्रिटी है या फिर कोई बड़े पर्सनैलिटी हैं तो उनका जो वोट है उसकी काउंटिंग दो बार ले ली जाएगी, और कोई अगर रूरल एरिया से कोई पुअर पर्सन ही इज गोइंग टू वोट तो उसकी काउंटिंग बस एक बार ली जाएगी या माना ही नहीं जाएगा, ऐसा नहीं है। हर एक, जब हम इंडिया की बात करते हैं, एवरी इंडिविजुअल हु इज एंटाइटल्ड टू वोट हैज वन वोट और हर वोट का एक ही वैल्यू होता है, ठीक है। नाउ पार्टीज एंड कैंडिडेट्स दे शुड बी फ्री टू कंटेस्ट इलेक्शंस। हमारे कंट्री में फ्री एंड फेयर मैनर में इलेक्शंस होता है एंड ऑल्सो देयर शुड बी सम रियल चॉइस दैट शुड बी ऑफर टू द वोटर्स। अब ऐसा नहीं है कि एक ही पार्टी इलेक्शन लड़ रही है और लोगों के पास चॉइस ही नहीं है, जैसे चाइना के केस में, ठीक है। उसके अलावा इलेक्शंस मस्ट बी हेल्ड रेगुलरली आफ्टर एवरी फ्यू इयर्स। जब हम इंडिया के केस की बात करते हैं बच्चों, तो आपको पता है कि जो अपने जनरल इलेक्शन है वो ऑलमोस्ट एवरी 5 years, आफ्टर एवरी 5 years हमारे कंट्री में इलेक्शंस होते हैं, ठीक है। स्टेट असेंबली इलेक्शंस की बात करें या फिर हम जनरल इलेक्शंस की बात करें। नाउ कैंडिडेट हु आर चोजन बाय द पीपल दे शुड गेट इलेक्टेड, ठीक है। तो यहाँ पर लोगों ने जिसको चूज किया है ऑब्वियसली दे शुड बी द वन हु शुड बी रूलिंग द कंट्री, ओके। So this is one point that everyone needs to understand, and also elections should be conducted in a very free and fair manner. ऐसा नहीं होना चाहिए कि यहाँ पर लोगों के ऊपर दबाव होना चाहिए कि आपको इसी पार्टी को वोट करना है, अगर आप वोट नहीं करोगे तो दंगेबाजी हो जाएगी। अब हमारा दूसरा पॉइंट है अबाउट दी पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन। अभी देखो बच्चों लोग, जब भी हम यहाँ पर इलेक्शन की बात करते हैं ऑब्वियसली देर इज अ सॉर्ट ऑफ कॉम्पिटिशन अमंग दी पॉलिटिकल पार्टीज, राइट। क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज हैं और सभी लोग यहाँ पर कंटेस्ट कर रहे हैं इलेक्शन में, तो समटाइम्स दिस इज लीडिंग टू पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन। नाउ द क्वेश्चन इज दैट इज दिस पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन गुड और नॉट। Sometimes it takes a very ugly turn, जिसमें आपने पार्टी पॉलिटिक्स ये सब टर्म के बारे में सुना होगा, that one party is talking ill about other parties, तो ये सब आपके election process के बीच में ये सब बहुत चलता ही है, right? So यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि अगर competition bad faith में हो रहा है, so definitely it is creating a sense of disunity and factionalism among different groups here, right? So बहुत सारे political parties क्या होते हैं, they are using dirty tricks to win the elections. और उसके अलावा यहाँ पर जो allegations है, they are framed by different political parties कि इन्होंने ऐसे किया, इन्होंने ऐसे किया, so try to vote us. तो ये जो लड़ाई है बच्चों, ये हमेशा चलती है, political competition जो है that exists in any democratic country. लेकिन इसको सुधर
सुधारने के लिए क्या किया जा सकता है. सो वी कैन ट्राई एंड इम्प्रूव द नॉलेज एंड कैरेक्टर ऑफ पॉलिटिकल लीडर्स. तो यहाँ पर जो पॉलिटिकल लीडर्स जो कंटेस्ट कर रहे हैं उनके नॉलेज को भी यहाँ पर अच्छा किया जा सकता है, उनके कैरेक्टर को भी अच्छा किया जा सकता है. फिर वी कैन सेट अप अ सिस्टम इन विच पॉलिटिकल पार्टीज आर रिवॉर्डेड फॉर सर्विंग द पीपल. तो हमारे कंट्री में क्या कॉन्सेप्ट है भाई कि मान लो कि इंसेंटिव्स के तौर पर, जब हम यहाँ पर बात करते हैं इंसेंटिव्स के तौर पर, तो आप सभी बच्चों को पता है कि हर 5 साल पर हमारे कंट्री में इलेक्शंस होते हैं. फॉर एग्जाम्पल इफ आई आस्क यू वॉट इज द करेंट पार्टी दैट इज रूलिंग इन आर कंट्री, एवरी वन विल से बीजेपी. और ये इनका सेकेंड टर्म है ऑलरेडी, इनको पिछली बार भी लोगों ने वोट किया था, दिस बिकेम दी पार्टी इन मेजोरिटी, राइट. सो यहाँ पर अगर मैं किसी पार्टी की बात करती हूँ बेस्ड ऑन कि वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, बेस्ड ऑन कि वो लोगों के कितने विशेज को पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों के ग्रीवेंसेज को देखने की कोशिश कर रहे हैं, बेस्ड ऑन दैट पार्टी जो भी लोग हैं यहाँ पर अपने कंट्री में हु आर एलिजिबल टू वोट, दीज पीपल दे ट्राई टू लुक ऑन द पॉलिटिकल पार्टीज हु आर ट्राइंग टू लुक एट द ग्रीवेंसेज एंड वर्किंग फॉर द वेलफेयर ऑफ द कॉमन पीपल. सो उस सेंस में इंसेंटिव मिलता है कि अगर आप अच्छा काम करते जाओगे तो आपको यहाँ पर अगले साल भी वोट मिल जाएगा, मतलब नेक्स्ट टर्म में भी आपको वोटिंग मिल जाएगी, है ना. उसके अलावा पीपल दे शुड बी डिसाइडिंग द रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट. तो इस तरीके से किया जा सकता है. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दैट व्हाट इज आवर सिस्टम ऑफ इलेक्शंस. अब हमारे कंट्री में जब हम इलेक्शन प्रोसीजर की बात करते हैं बच्चों, तो ये अपना एक लंबा चौड़ा प्रोसेस होता है. वन बाय वन लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड कि क्या प्रोसेस है, क्या क्या किया जाता है, क्या नहीं किया जाता है. सो अगर हम अपने कंट्री की बात करते हैं तो इलेक्शन जो है आपके दो लेवल पे हो रहे हैं, एक आपके सेंट्रल गवर्नमेंट और एक अपना स्टेट गवर्नमेंट की अगर बात करते हैं. जब हम सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करते हैं बच्चों, जब हम पार्लियामेंट की बात करते हैं यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की बात करते हैं, सो हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द जनरल इलेक्शंस जो कि अपना लोकसभा इलेक्शंस होता है. फिर अपना एक विधानसभा होता है वेयर वी आर टॉकिंग अबाउट द स्टेट असेंबली इलेक्शंस की डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स के लिए. फॉर एग्जाम्पल समवन इज बिलोंगिंग टू महाराष्ट्र, समवन इज बिलोंगिंग टू आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटका, तो वहाँ पर आपके जो CM होते हैं वो अपने कहाँ से चूज किए जाते हैं, तो अपने स्टेट असेंबली इलेक्शन से. और ये दोनों इलेक्शंस रेगुलरली हर 5 साल पे होते हैं. हर एक 5 साल के बाद क्या होता है कि जैसे ही अपना इलेक्शन टर्म ओवर होने का होता है, सो यहां पर लोकसभा विधानसभा इनको डिसॉल्व कर दिया जाता है, मतलब कि इट इज नो लॉन्गर इन वर्किंग और यहां पर वापस से फ्रेश इलेक्शंस होते हैं इन ऑर्डर टू चूज द न्यू रिप्रेजेंटेटिव्स, ठीक है. सो यहां पर आप देखो कि जनरल इलेक्शंस जो है दे आर हेल्ड इन ऑल कॉन्स्टिट्यूएंसीज एट द सेम टाइम और ऑन डिफरेंट डेज. अब आप लोगों ने बहुत बार फेजेस के बारे में सुना होगा, अगर नेक्स्ट टाइम जब इलेक्शन हो बच्चों तो आप लोग थोड़ा इन सब टर्म्स के बारे में ध्यान देना, तो आपको प्रैक्टिकली ये सब क्लियरली अच्छे से समझ में आएगा. कि हमेशा आपने सुना होगा कि जो मतदान की प्रक्रिया है वो अब शुरू हो चुकी है, फेज वन में इतने जगह पे वोट पड़ेंगे, फेज टू में इतने जगह पे वोट पड़ेंगे. तो यहाँ पर अपने कंट्री में सबसे पहले तो आपको कॉन्स्टिट्यूएंसी टर्म के बारे में पता करना है, और कॉन्स्टिट्यूएंसी से फिर आपको ये फेज वाला पॉइंट भी समझ में आएगा. लेकिन उसके अलावा मैं आपको एक और टर्म बताती हूँ, एक तो अपना जनरल इलेक्शन हो गया और दूसरा जो अपना पॉइंट है बच्चों वो कहलाता है बाय इलेक्शंस. अब बाय इलेक्शंस की जब हम बात करते हैं, दीज आर हेल्ड फॉर द कॉन्स्टिट्यूएंसीज टू फिल द वेकेंट सीट दैट हैज बीन, यू नो, द सीट हैज बीन वेकेंट फॉर वेरियस रीजंस सच एज दैट इज कॉज्ड बाय द डेथ ऑफ एनी पर्टिकुलर मिनिस्टर या फिर रेजिग्नेशन ऑफ द मेंबर. तो यहां पर अगर मान लो कि एकदम एक्सट्रीम सर्कमस्टेंसेस में अगर मान लो कि एक्सीडेंटल डेथ हो गया, राइट, किसी भी एक मिनिस्टर का, तो वहां पर सीट वेकेंट हो जाएगी. तो वहां पर आपका बाई इलेक्शन होता है, मतलब कि वो रेगुलर बेसिस पे नहीं होता है, जहां पर जब जरूरत पड़ती है तब जाके वहां पे बाई इलेक्शंस होते हैं इन ऑर्डर टू फिल अप दैट पर्टिकुलर वेकेंसी. मान लो किसी मिनिस्टर ने रिजाइन कर दिया, अब वो सीट तो वेकेंट रखी नहीं जाएगी, तो वहां पर बाई इलेक्शंस होते हैं कुछ टाइम के बाद. जनरल इलेक्शन जो है उसका एक फिक्स्ड इंटरवल है हमारे कंट्री में कि हर 5 साल के बाद आपके जनरल और विधानसभा इलेक्शंस होंगे. तो सबसे पहला पॉइंट है इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी समझने का. सबसे पहला प्रोसेस क्या होता है कि अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया को यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में फॉर द पर्पस ऑफ इलेक्शन, क्योंकि ऑब्वियसली दिस इज अ वास्ट कंट्री और यहाँ पर अगर हम चाहेंगे कि क्यूमुलेटिवली यहाँ पर एक ही साथ हो जाए इलेक्शन, तो वो प्रोसेस यहाँ पर हो नहीं सकता है. सो फॉर द पर्पस ऑफ इलेक्शन हमारे कंट्री को डिफरेंट एरियाज में डिवाइड किया गया है, जिसको कि हम लोग इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज कहते हैं. Now people who are living in that particular area, you know, they are choosing their own one representative. यानी कि हर एक constituency से एक एक representative को यहाँ पर choose किया जाता है. लोकसभा elections के लिए हमारे country में 543 constituencies हैं. सभी बच्चों को पता होना चाहिए, यानी कि 543 seats पे यहाँ पर elections हो रहे हैं, जहाँ पे भी vacant है आपका. Now elected representatives from each constituency at the central level, they are known as
एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मान लो कि आपसे अगर पूछा जाए, ये बुक में आप देख सकते हो, हमारे कंट्री में 543 टोटल कॉन्स्टिट्यूएंसीज है। अब मान लो कि आप जिस भी स्टेट से हो, सबसे पहले तो आप अपने स्टेट के बारे में एक तो आइडेंटिफाई करो, फिर फाइंड आउट करो कि आपके, लेट्स से इफ एनी पर्सन इज फ्रॉम राजस्थान, तो ट्राई टू फाइंड आउट कि आपके स्टेट में कितने कॉन्स्टिट्यूएंसीज है। जैसे कि हरियाणा के केस में आप बच्चों ने पढ़ लिया कि हरियाणा में स्टेट असेंबली इलेक्शन हो रहे थे, तो कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज है टोटल 60, और वहाँ पे उसी हिसाब से यहाँ पर क्या हो रहा था, इलेक्शन के लिए फाइट किया जा रहा था। अब इन जनरल पूरे इंडिया की बात करें तो ऐसे 543 है, राइट। मान लो कि अगर बिहार की बात करें तो 40 है, सबसे ज्यादा अगर आप देखोगे बच्चों तो उत्तर प्रदेश में है, दैट इज 80 सीट, सबसे ज्यादा सीट वहां पर आपको मिलने वाली है, ओके। चलो अब जब हम स्टेट इलेक्शंस की बात करते हैं, विधानसभा इलेक्शंस की बात करते हैं, तो यहाँ पर आपके जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली कहा जाता है। फॉर एग्जांपल अगर तमिलनाडु की बात करें तो यहाँ पर टोटल पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज कितने हैं, 39। अब हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से आप मानो कि वेलोर की बात कर रही हो, तो वेलोर से एक रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पर चूज किए जाएंगे। अब इस रीजन में जितने भी लोग रह रहे, इस डिस्ट्रिक्ट में जितने भी लोग रह रहे, वो लोग रिप्रेजेंटेटिव को अपने एरिया से चूज करते हैं और वो वहाँ के एमपी बन जाते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ पर आपको समझना है, अगर पंचायत और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की बात की जाती है तो विलेज और टाउन में आपके वार्ड्स होते हैं और हर एक वार्ड से एक मेंबर को यहाँ पर चूज किया जाता है। अब इसी बात पे दूसरा पॉइंट आपको समझना है रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसी का। रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या होता है भाई, तो यहाँ पर अपने कंट्री में एवरीवन नोस दैट वी हैव यू नो डाइवर्सिटी इन टर्म्स ऑफ लेट्स से रिच पीपल, पुअर पीपल, वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। तो यहाँ पर रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट तो आपको समझ में आ गया। अब कुछ जितने भी आपके कॉन्स्टिट्यूएंसीज है ना, उसमें कुछ सीट्स को यहाँ पर रिजर्व किया जाता है, किसके लिए किया जाता है, सो इट हैज बीन डन फॉर द वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स को यहाँ पर उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करना था और उनको डर था कि कहीं ऐसा टाइम ना आए जहाँ पर माइनॉरिटीज या वीकर सेक्शन को खुद को रिप्रेजेंट करने का मौका ना मिले। सो उनके लिए हमें अलग से सीट्स यहाँ पर रिजर्व किए कर देनी चाहिए। सो यहाँ पर कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज है दैट आर रिजर्व फॉर द पीपल हु आर बिलोंगिंग टू शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब। अगर हम इंडिया में लोकसभा इलेक्शंस की बात करें तो शेड्यूल्ड कास्ट के लिए 84 सीट्स रिजर्व्ड है और शेड्यूल ट्राइब के लिए 47 सीट्स टोटल रिजर्व्ड है। अब यहाँ पर आप ये डेटा देख सकते हो कि डिफरेंट डिफरेंट स्टेट से कितने लोग एससी सीट से जीत कर आए, कितने लोग यहाँ पर एसटी सीट से जीत कर आए, ठीक है। सो 84 और 47 आपको याद रखना है। जब हम रूरल और अर्बन एरियाज की बात करते हैं तो लोकल बॉडीज देयर आल्सो नाउ रिजर्व फॉर ओबीसीज, दैट इज अदर बैकवर्ड कास्ट। उसके अलावा आप देखोगे 1/3 जो सीट है दैट इज रिजर्व फॉर वुमेन एज वेल। तो ये तो अपना हो गया कॉन्स्टिट्यूएंसी के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि स्टेट के टोटल पॉपुलेशन के बेसिस पे यहाँ पर सीट्स को रिजर्व किया जाता है और ये आपको बहुत डिटेल में नहीं पढ़ना है, बस आपको इतना पता होना चाहिए कि सीट्स रिजर्व किसके लिए किए जाते हैं और क्यों किए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट अपना है वोटर्स लिस्ट के बारे में। अब देखो एक बार कॉन्स्टिट्यूएंसी अपना बन चुका है कि इतने कॉन्स्टिट्यूएंसीज है या यहाँ पर इलेक्शन होने हैं, तो यही पर डिसाइड होता है कि किस पार्ट में, किस कॉन्स्टिट्यूएंसी में, किस फेज में इलेक्शन होएगा, ठीक है। सो एक टाइम पे नहीं तो एक दो दिन के अंदर या पांच दिन के अंदर पूरे फेजेस में यहाँ पर इलेक्शन होते हैं। फिर अपना तैयार किया जाता है इलेक्टोरल रोल, यानी कि अपना वोटर्स लिस्ट। अभी सबसे इम्पोर्टेंट है कि कौन है वो लोग जो कि मतदाता बनेंगे, कौन यहाँ पर इलेक्शंस में वोटिंग करने जाएंगे। सो ये अपना जो है इलेक्शंस के बहुत पहले अपना वोटर्स लिस्ट रेडी कर लिया जाता है, जिसको हम इलेक्टोरल रोल भी कहते हैं, ठीक है। नाउ एवरीवन शुड हैव द राइट टू वोट एंड ईच वोट शुड हैव वन वैल्यू। तो यहाँ पर जितने भी सिटीजन हैं अबव 18 ईयर्स ऑफ एज और 18 ईयर्स ऑफ एज, दे कैन वोट रिगार्डलेस ऑफ जेंडर, कास्ट, रिलीजन एंड सो ऑन, ठीक है। तो वोटर लिस्ट तैयार की जाती है और हमेशा इसको रिफ्रेश किया जाता है। सो कंप्लीट रिविजन होता है वोटर लिस्ट का, दैट टेक प्लेस आफ्टर एवरी 5 ईयर्स। अभी हमारे कंट्री में एक नया सिस्टम आया है एपेक का, दैट इज इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड, इट हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड एंड दे हैव टू शो देयर यू नो आइडेंटिटी प्रूफ। तो ये वाला पॉइंट भी है जो सभी बच्चों को यहाँ पर ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये अगर हम एपेक की बात करते हैं तो इस तरीके से आप देख सकते हो, यहाँ पर नंबर होता है, स्टेट होता है, कोड डालना होता है और फिर ऑनलाइन ही आप यहाँ पर रजिस्टर करके निकाल सकते हो। फिर अपना तीसरा जो पॉइंट आता है, वोटर लिस्ट अपना तैयार हो गया है, कॉन्स्टिट्यूएंसीज का पता चल चुका है, कहाँ कहाँ पे अपनी इलेक्शंस होने वाले हैं, उसके बाद होता है नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट्स के बारे में। जब हम नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट्स की बात करते हैं बच्चों लोग, तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि कौन वो कैंडिडेट्स है। एक तो हमारे कंट्री में सभी बच्चों को पता है कि चलो भाई मल्टी पार्टी सिस्टम है, नाउ एवरीवन इज अवेयर अबाउट इट कि हमारे कंट्री में मल्टी पार्टी सिस्टम है। अब मल्टी पार्टी सिस्टम की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आके बहुत सारी पार्टीज हैं। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट पार्टीज, देन वी हैव बीजेपी, वी हैव
आईएनसी, वी हैव डिफरेंट अदर पार्टीज हियर, ठीक है, टीएमसी है, डीएमके है, एआईडी एमके है, एआईए डीएमके है, ऐसे बहुत सारी पार्टीज हैं, राइट? आप पार्टी है, रीजनल पार्टीज हैं, स्टेट पार्टीज की बात करें, नेशनल पार्टीज की बात करें, तो ऐसे बहुत सारे पार्टीज हैं, लेकिन उसमें से कौन से वो कैंडिडेट्स हैं जो एक्चुअली यहाँ पर इलेक्शन में कंटेस्ट कर सकते हैं? सो इन इंडिया अगर आप सिटीजन हो अपने कंट्री के, तो आप यहाँ पर इलेक्शन में कंटेस्ट कर सकते हो. लेकिन क्या क्या यहाँ पर क्राइटेरियाज है? सो सिटीजन ऑफ इंडिया हु इज मिनिमम एज इज 25 ईयर्स. देखो वोटिंग का जो अपना एज होता है वो 18 ईयर्स होता है, और यहाँ पर कंटेस्ट करने का जो मिनिमम एज होता है बच्चा लोग, दैट इज 25 ईयर्स. कि लोकसभा इलेक्शन के लिए 25 ईयर्स होता है, राज्यसभा में जब आप जाते हो तो वहाँ पे 30 ईयर्स हो जाता है, ठीक है? सो यहाँ पर जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो अपने कैंडिडेट्स को नॉमिनेट कर देते हैं, और इसके थ्रू यहाँ पर क्या होता है कि उनको फाइनली जब आप रजिस्टर करने जाते हो अपने पार्टी को, तो यहाँ पर आपकी कैंडिडेटचर ली जाती है, और उसके बाद आपको एक पार्टी सिंबल दिया जाता है. फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे पूछा जाए कि बीजेपी का पार्टी सिंबल क्या है, तो आप सारे बच्चे क्या कहोगे? लोटस, है ना? अगर आपसे पूछा जाए कि आईएनसी का पार्टी सिंबल क्या है, तो आप कहोगे पंजा, यानी कि वी आर टॉकिंग अबाउट पाम. उसके अलावा आपसे पूछा जाए कि आप पार्टी का बताओ, तो आप डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पर बता सकते हो किस पार्टी का कौन सा पार्टी सिंबल है, और इसको हम लोग पार्टी टिकट भी कहते हैं कि नाउ यू आर एलिजिबल टू कंटेस्ट इन इलेक्शंस. लेकिन यहाँ पर जैसे कि मान लो, एक सिंपल सी बात बताऊंगी आप बच्चों को, कि मान लो कि आप 9th-10th में पढ़ने के बाद 11th-12th में जब आप जाते हो, तो यहाँ पर आपको एडमिशन लेना पड़ता है. एडमिशन लेने के लिए आपको फॉर्म वॉर्म भरना पड़ता है, है कि नहीं? तो यहाँ पर जब हम बात करते हैं अबाउट नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट्स एज वेल, वी सी दैट दे हैव आल्सो टू फिल अप द नॉमिनेशन फॉर्म, और कुछ सिक्योरिटी डिपॉजिट देना पड़ता है. दे हैव टू गिव सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी एज सिक्योरिटी डिपॉजिट. तो आपका जो नॉमिनेशन फॉर्म है वो कुछ इस तरीके से ऐसा लगता है बच्चों, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हो. अब यहाँ पर कुछ लीगल डिक्लेरेशन है दैट हैज टू बी मेड फॉर नॉमिनेशन. क्या क्या लीगल डिक्लेरेशन है? सो हियर दे हैव टू टॉक अबाउट कि क्या उनके ऊपर कोई पेंडिंग क्रिमिनल केसेस है. अगर ऐसे कुछ पेंडिंग क्रिमिनल केसेस है, तो यहाँ पर उनके ऊपर कुछ कुछ कार्रवाई की जाती है, देखा जाता है कि किस केसेस में इनको यहाँ पर डाला गया है, हैव दे बीन प्रूवन गिल्टी और नॉट, उसके हिसाब से फिर उनको कैंडिडेटचर मिलती है. नहीं अगर प्रूव किया जा सकता है ये वो, तो उनकी कैंडिडेटचर वापस ले ली जाती है. नाउ डिटेल्स ऑफ द एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द कैंडिडेट एंड हिज फैमिली एज वेल. मतलब कि अगर आप कभी भी आपने देखा होगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री मिस्टर नरेंद्र मोदी, लेट्स से ये उनका जो 5 साल का टर्म है उनके पार्टी का, अगर जब ये खत्म हो जाएगा तो लोकसभा जो आपका है वो डिसॉल्व कर दिया जाएगा, है ना? उसके बाद वापस से इवन ही वाज द प्राइम मिनिस्टर, डजंट मीन कि उनको यहाँ पर अपने नॉमिनेशन फाइल अप नहीं करनी है. वो भी चाहेंगे अपने नॉमिनेशन को फाइल अप करने, उनको भी अपने एसेट्स और लाइबिलिटीज का डिक्लेरेशन करना होगा कि कितना प्रॉपर्टी वो ओन कर रहे हैं, क्या क्या उनके पास प्रॉफिट्स है, जो भी चीज़ है, हिज इनकम, हिज एसेट्स, हिज लाइबिलिटीज, फैमिली के पास क्या लाइबिलिटीज है, क्या एसेट्स है, ये सारी चीज़ें उनको यहाँ पर डिटेल में मेंशन करनी होती है, और कुछ चीजों को यहाँ पर पब्लिक कर दिया जाता है, सो दैट पीपल शुड हैव अ बेटर नॉलेज कि कौन वो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं जिनको वो इलेक्ट कर सकते हैं. दूसरा अपना इंपॉर्टेंट पॉइंट है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ऑफ कैंडिडेट, जिसको ये भी मेंशन करना होता है कि आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है. लेकिन इसको दी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया नहीं रहते, आपके बुक में ये पॉइंट लिखा गया है दैट व्हाई एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस हैव नॉट बीन टेकन एज दी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया. Many of us think that you know the ministers that we are choosing should be well educated to know that what are the problems of the people. You guys will think that लेकिन आप ये सोचो, जब हम यहाँ पर बात करते हैं अबाउट द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, हो सकता है कि बहुत लोग, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हियर इज कि इलेक्शंस में इट इज़ नॉट जस्ट द मैटर कि लोग कितने पढ़े लिखे हैं, उन्होंने MA पास किया है, ITN है, डॉक्टर बने हैं या क्या नहीं. जैसे कि अगर मान लो क्रिकेटर्स की अगर मैं बात करती हूँ, तो वहाँ पे उनके एजुकेशन क्वालिफिकेशन से ज़्यादा क्या देखा जाता है, डू दे नो हाउ टू बैट, डू दे नो हाउ टू यू नो प्ले इन द फील्ड, डू दे नो हाउ टू प्लान टैक्टिक्स एंड एवरीथिंग, ये सारी चीज़ें देखी जाती है. तो हर एक फील्ड में डिफरेंट डिफरेंट सर्कमस्टांसिस में डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरियाज हो जाते हैं. तो जब हम इलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं, यहाँ पे जो क्राइटेरिया बनता है बच्चों, दैट इज नॉट अबाउट द एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉरमोस्ट, इट्स अबाउट दैट हाउ द लीडर्स दे कैन डील विद द कॉमन पीपल, उनका कितना करेक्ट बन सकता है कॉमन पीपल के साथ, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. इलेक्शन क्वालिफिकेशन, एजुकेशन क्वालिफिकेशन इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज इफ़ वी आर नॉट वेल रेड, ऑब्वियसली वी कांट मेक डिसीजंस, राइट? सो यहाँ पर वो इंपॉर्टेंट है. बट अगेन, आपका MA क्वालिफाई करना, BA क्वालिफाई करना इज नॉट द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया. सो इसके बारे में आप यहाँ पर बुक में भी ये पॉइंट पढ़ सकते हो. अब जो हमारा नेक्स्ट पार्ट आता है, अब देखो यहाँ पर नॉमिनेशन ये सब कुछ फाइलिंग हो गई है, सो द नेक्स्ट पार्ट दैट कम्स इज अबाउट द इलेक्शन कैंपेन.
अभी सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मुझे आप बच्चों को बतानी है वो क्या है कि जब हम इलेक्शंस के अपने कंट्री में बात करते हैं इन जनरल, सो वी आर टॉकिंग अबाउट द इलेक्शंस दैट आर टेकिंग प्लेस एट द हम लोग जनरल इलेक्शंस की बात करें तो लोकसभा इलेक्शंस की अगर मैं बात करूँ, सो यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको दी जाती है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. नाउ दिस इज एन अपॉइंटेड एंड दी इंडिपेंडेंट कमीशन, इंडिपेंडेंट बॉडी. जो जब इलेक्शंस का टाइम आता है तो यहाँ पर सारे पावर्स गवर्नमेंट के यहाँ पर ख़त्म और यहाँ पर सभी पावर्स जो है वो इलेक्शन कमीशन के पास आ जाते हैं, अपने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास आ जाते हैं. और उसके अलावा उनके पास जो भी आपके चीफ इलेक्शन कमिश्नर के अलावा इलेक्शन कमिश्नर्स दो और होते हैं, सो दे आर गोइंग टू टेक मेजर डिसीजंस, राइट? तो यहाँ पर कुछ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट बनाया जाता है दैट एवरी पार्टी हैज़ टू फॉलो. सो यहाँ पर इलेक्शन कैंपेन शुरू हो जाता है. जैसे कि मान लो कि अगर मैं बात करती हूँ नेक्स्ट इलेक्शन, कभी अगर आप देखोगे या फिर आपने कभी बाई इलेक्शन ही देखा होगा, आपने स्टेट इलेक्शन का ही देखा होगा, तो आपने देखा होगा कि किस तरीके से जो भी आपके पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो कि कंटेस्ट कर रहे हैं इलेक्शन में, दे आर यू नो टेकिंग पार्ट इन द इलेक्शन कैंपेन्स बिकॉज दे नीड टू हैव यू नो फेस टू फेस डिस्कशन विद द कॉमन पीपल. दे नीड टू मोबिलाइज देयर सपोर्ट फ्रॉम द कॉमन पीपल. सो ऑब्वियसली इट इज नेसेसरी टू हैव अ फ्री एंड ओपन डिस्कशन. और इसकी वजह से कैंपेन होता है, इलेक्शन कैंपेन इट इज टेकिंग प्लेस एंड कैंपेन दे टेक प्लेस फॉर अ 2 week पीरियड. ठीक है, यानी कि 14 दिन का अपना पीरियड होता है जिसमें इलेक्शन कैंपेन्स होता है. और इस पीरियड में क्या होता है कि कैंडिडेट्स जो है अपने वोटर्स के पास जाते हैं, उनसे बातें करते हैं, स्पीचेस देते हैं, बताते हैं कि वो क्या क्या यहाँ पर उन्होंने एजेंडा सेट किया है अगर उनको वोट की जाए, जैसे कि चौधरी देवीलाल के केस में आपने पढ़ रखा है. तो यहाँ पर पॉलिटिकल लीडर्स जो है वो इलेक्शन मीटिंग में जाते हैं, इलेक्शन रैलीज में जाते हैं, खूब सारे खर्चे होते हैं और अपने सपोर्टर्स को मोबिलाइज किया जाता है. दे ट्राई टू फोकस पब्लिक अटेंशन ऑन सम बिग इशूज की, अगर मान लो पॉवर्टी है, इलिटरेसी है, एजुकेशन है, इन सारे इशूज के ऊपर फोकस किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल अगर हम 1971 के लोकसभा इलेक्शन की बात करें तो कांग्रेस पार्टी ने एक नारा उठाया था गरीबी हटाओ के बारे में. उसके अलावा जनता पार्टी की अगर हम बात करें तो उन्होंने यहाँ पर सेफ डेमोक्रेसी का स्लोगन यहाँ पर शुरू किया था. तो ये सब आपके इंपॉर्टेंट यू नो वेज है थ्रू विच कैंपेन्स को यहाँ पर रन किया जाता है. उसके अलावा यहाँ पर जब इलेक्शन कमीशन की बात की जाती है वो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट यहाँ पर क्या करते हैं, इनिशिएट करते हैं, बताते हैं दैट दीज आर सर्टेन थिंग्स दैट कैंडिडेट्स दे आर नॉट अलाउड टू डू. लिस्ट ऑफ डोंट्स एंड डूज उनके लिए निकलता है. ठीक है, सो यहाँ पर वो कभी भी थ्रेटन नहीं कर सकते हैं वोटर्स को या ब्राइब नहीं कर सकते हैं. दे कांट अपील देम इन द नेम ऑफ रिलीजन और कास्ट. फिर यहाँ पर गवर्नमेंट रिसोर्सेज को इलेक्शन कैंपेन के लिए बिल्कुल नहीं यूज़ किया जा सकता है. उसके अलावा यहाँ पर आपका अगर बात की जा रही है कॉन्स्टिट्यूएंसी में तो 25 लाख से ज़्यादा आप स्पेंड नहीं कर सकते हो अपने रैलीज में. और यहाँ पर असेंबली फॉर लोकसभा इलेक्शन, ठीक है, और 10 लाख से ज़्यादा आप असेंबली इलेक्शन में नहीं इन्वेस्ट कर सकते हो. सो दिस इज लिस्ट ऑफ डोंट्स फॉर दी पॉलिटिकल पार्टीज. उसके अलावा कोड ऑफ कंडक्ट में और क्या है दैट नो पार्टी कैन यू नो यूज एनी प्लेस ऑफ वर्शिप. देखो हमारा कंट्री जो है बच्चों दैट इज सेक्युलर और यहाँ पर पॉलिटिक्स और जब हम स्टेट और रिलीजन की बात करते हैं दोनों एकदम सेपरेट है, दोनों सेपरेट वेज में चलते हैं. तो यहाँ पर कोई वर्शिप प्लेस को ऐसे एजेंडा की तरह यूज़ नहीं किया जा सकता है, इलेक्शन प्रोपोगंडा के वे में यूज़ नहीं किया जा सकता है. फिर गवर्नमेंट व्हीकल्स, एयरक्राफ्ट, इन सब चीज़ों को यहाँ पर यूज़ नहीं किया जा सकता है. और उसके अलावा कोई भी फाउंडेशन प्रोजेक्ट या स्टोन, जैसे कि हमेशा इनॉग्रेशन के लिए आपके मिनिस्टर्स जाते रहते हैं ना, तो ये सब काम इस पीरियड में बिल्कुल नहीं किया जाता है. सो दीज आर सम ऑफ दी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो कि यहाँ पर इलेक्शन कमीशन के द्वारा रेज किया जाता है फॉर ऑल दी पॉलिटिकल पार्टीज. सो दीज आर सर्टेन पॉइंट्स दैट एवरीवन नीड्स टू अंडरस्टैंड. ये हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ लिया. अब हमारे सेकेंड पार्ट में हमारा थोड़ा सा अपना छोटा सा पार्ट बचा है अबाउट दी पोलिंग एंड द वोटिंग. और उसके अलावा दैट हमारे कंट्री में व्हाट आर द फ्री चैलेंजेस टू फ्री एंड फेयर इलेक्शंस. ठीक है, और ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो हम इसको कवर करेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट में. सो आई होप दैट यू गाइस लव द सेशन. प्लीज लाइक द सेशन एंड शेयर इट एज मच एज यू कैन. व्हाटएवर यू डाउट यू हैव पुट दैट इन द कमेंट सेक्शन. आई वुड बी हैप्पी टू यू नो आंसर ऑल दोस डाउट्स. थैंक यू सो मच. लेट्स क्रैक इट.